डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी का फाइनेंस एक्ट से अगर हम रेट लेते हैं, फाइनेंस एक्ट से, तो डिफॉल्ट रेट है कितना? डिफॉल्ट रेट है 30%। ठीक, कौन सा प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर 19-20। उसके बाद ये रेट कितने पे हो जाएगा? ये रेट 25% पे हो जाएगा इफ टर्नओवर डज नॉट एक्सीड्स। अमेंडमेंट है यहां पर ना, पहले 250 देखते थे, अब कितना देखते हैं? 400। पहले 16-17 का देखते थे, अब किसका देखना है? 17-18 का। 2 साल पीछे जाना है, 2 साल पीछे हमेशा याद रखना है। आप 19-20 का टैक्स रेट डिसाइड कर रहे हो, तो 18-19 और 17-18, 17-18 का टर्नओवर एक्सीड्स, टर्नओवर एक्सीड्स डज नॉट एक्सीड्स रुपीज 400 करोड़। ऑफ टर्नओवर डज नॉट एक्सीड्स 400 करोड़ इन प्रीवियस ईयर 17-18 देखना, 2 साल पहले का टर्नओवर। सर ये गवर्नमेंट ने वादा किया था कि हम कंपनी का टैक्स रेट जो है 30 से धीरे 29-28 करते करते 25 पे ले आएंगे, तो इन्होंने वादा निभाया लेकिन अलग तरीके से निभाया। बोला कंडीशन लगा के, वोट मांगने से पहले 2014, 19 नहीं, 2014 के इलेक्शन में बीजेपी वालों ने बोला था आप हमारी गवर्नमेंट बनाओ तो हम टैक्स के रेट को धीरे धीरे करके 5 साल में 25 पे ले आएंगे। तो ये 30 से 29 पे ले आए, 29 से सीधे 25 पर लाए, लेकिन ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि हम बड़ी बड़ी कंपनियों को कम नहीं करेंगे, टर्नओवर चेक करेंगे। 400 के पहले 250 करोड़ चेक करना था, 250 करोड़ के पहले था 50 करोड़। सबसे पहले 50 करोड़ वाली पर आया 29%, फिर अमेंडमेंट करके आगे बढ़े 250 करोड़ पे। अब 250 करोड़ से बढ़ के कितने पे चले गए? 400। फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि 400 करोड़ का टर्नओवर लिखते ही अराउंड 90-95% कंपनियां 25% के दायरे में आ गई, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां इससे भी खुश नहीं थी जिनके टर्नओवर कितने हैं, 500, 600, 800 करोड़। तो गवर्नमेंट ने फिर अलग अलग सेक्शन दिए डोमेस्टिक कंपनी के कि जाओ 115BA का बेनिफिट ले लो तो हम तुम्हारा रेट 25% कर देते हैं, टर्नओवर देखने की जरूरत नहीं है। यानी टर्नओवर 50 करोड़ ही हो भाई, 400 करोड़ और उससे कम हो आपका टर्नओवर 2 साल पहले का, तो आपका रेट कितना है? 25%। यहां पर क्या बोलता है, इफ द टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2 साल पहले का डज नॉट एक्सीड्स रुपीज 400 करोड़। लेकिन ये तो टर्नओवर बेस कंडीशन थी ना, तो कोई जो कंपनी थी जो बड़े स्केल पे काम करना चाहती थी, बड़े स्केल पे काम करना चाहती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना चाहती है, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है अगर ऐसा है, तुम्हारा स्केल बड़ा है और तुम 25% का बेनिफिट नहीं ले पाते हो, तो हम तुम्हारे लिए एक नया सेक्शन देते हैं अलग से 25%। ये नया सेक्शन इस साल का नहीं है, पहले का है 25%। ये आराम अराउंड 2 साल पहले आया डोमेस्टिक कंपनी पे सेक्शन। हम लोग अभी फिलहाल क्लास में यहां पे फोकस कर रहे हैं, हम ये दोनों सीखेंगे अभी, हम लोग इस स्पेशल सेक्शन में नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं डोमेस्टिक कंपनी के और क्या क्या रेट्स हैं ओवरऑल। सर फिर कुछ कंपनियां बोली यार 25% तो आप दे रहे हो 115BA में, लेकिन हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है, हमें कुछ नया चाहिए, और 25% तो भी ज्यादा है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है तो 115BAA ले लो, हम तुम्हारा रेट 22% करते हैं। ठीक है, और उसके बाद कुछ ज्यादा ही हंगामा होने लग गया गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। गवर्नमेंट यानी पिछले बजट में 2019 जो इलेक्शन पे वापस बीजेपी आई और ज्यादा हंगामा होने लग गया गवर्नमेंट के टैक्स रेट से, और है ना गवर्नमेंट के जो पैकेज हैं इंडस्ट्री को उससे सेटिस्फाइड नहीं है कॉरपोरेट्स, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है जाओ एक और सेक्शन देते हैं तुम्हें BA B, रेट कितना कर देते हैं 15। ये दोनों सेक्शन साथ में आए, जो कंपनियां 15 में जाना चाह रही है 15 में चले जाए, नहीं तो हम 22 तो तुम्हारा कर ही रहे हैं। लेकिन हम अपने मन से 22, 15 या 25 नहीं करेंगे, तुम्हारा डिफॉल्ट रेट कितना है 30। अब तुम्हें इन सब सेक्शन का बेनिफिट लेना है तो तुम जाके इन सब सेक्शन को पढ़ो, इसके अंदर की कंडीशंस देखो, उनको सेटिस्फाई करो, और तब एक आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फॉर्म फिल करके बताओ कि हम इस सब सेक्शन का बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो ये जो रेट्स हैं, अगर आप सुनो, मान लो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ अभी 30%, और आप लोग को कहीं से सुनो कि नहीं कंपनी के रेट तो कम हो गए,
तो रेट कम हुए हैं। ऐसा रेट कम हुए हैं मतलब हम अपना जो पढ़ाई वाला रेट है 30%, उसको जगह 15 नहीं लगाएंगे। रेट इन सब सेक्शन के थ्रू कम हुए हैं। तो डोमेस्टिक कंपनी के इतने सारे डिफॉल्ट, इतने सारे रेट्स हैं, लेकिन अगर कोई पूछे कंपनी का डिफॉल्ट टैक्स रेट, एक कंपनी को कितना टैक्स देना पड़ता है? 30, कभी कभी 25 भी देना पड़ता है, और कुछ जगह तो 15 तक भी आ जाती है। उसके अलावा कंपनी पे एक मैट का कॉन्सेप्ट है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का कॉन्सेप्ट है कि मिनिमम तो गवर्नमेंट को चाहिए इतना, बाकी तुम जो भी बेनिफिट ले रहे हो लेते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बेनिफिट दे दी, खुश हो गए, और बाद में लास्ट में क्या बोली, अच्छा तुम बेनिफिट ले लियो, नहीं तुम्हें कम से कम तो इतना टैक्स देना ही पड़ेगा। बाहर हल्ला होता है, अरे कॉर्पोरेट करेट टैक्स इंडिया में कम हो गया, कितना हो गया, 15%, लेकिन जहां जाके देखा तो बहुत सारे कंडीशन लगा दिए, बहुत सारे बेनिफिट लेने के लिए मना कर दिया है। तो जब बेनिफिट लेने के लिए मना करेगा तो तुम्हारा टोटल इनकम नहीं, बेनिफिट लेने मना किया, बेनिफिट नहीं ले सकते, तो टोटल इनकम बढ़ गया और टैक्स रेट कम कर दिया, तो इफेक्टिवली वही तो बात हुई। रेट बढ़ा के डिस्काउंट देना, कोई डिस्काउंट हुआ? सूरज सर के यहाँ डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है, डिस्काउंट से पहले 20% फीस बढ़ा दी और फिर डिस्काउंट दे दिया, तो ये कोई बात हुई? सर तो गवर्नमेंट ना क्या कर रही है, रेट कम करते जा रही है और अंदर ही अंदर काफी सारे बेनिफिट्स हटाते जा रही है। पहले लोग बोलते थे हमें आके, आप कंपनी, आप बोलते थे 30% का टैक्स है, 30% का टैक्स है, हांगकांग में, सिंगापुर में, मलेशिया में, दुबई में बहुत कम रेट है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट 10% से 15% के बीच में, इंडिया में बहुत ज्यादा है। अरे भाई तुम टैक्स रेट कंपेयर कर रहे हो, अंदर के बेनिफिट तो तुम देख नहीं रहे हो। नहीं हम सरकार गिराएंगे, वोट नहीं देंगे आपको, तो ठीक है रुको रुको रुको, तुम्हारा रेट कम करते, अंदर का बेनिफिट हटाते चले गए और रेट को कम करते चले गए, अल्टीमेटली इफेक्ट वही होना है। लेकिन चलो मेंटल सेटिस्फेक्शन कि इंडिया में कंपनी का रेट अब कितना परसेंट तक चला गया, 15, और इसको देख के एलएलपी वाले उछल चुके हैं। अब एलएलपी वाले नाराज हैं, भाई तुम कंपनी हो तो तुम्हारे रेट 15 तक चले गए हैं, और जो लोग लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के थ्रू करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं उनके रेट तो तुमने कहाँ रख दिए हैं, 30 पे ही। तो इस बार जो अपकमिंग बजट है, बजट 2020, जो अभी नया वाला बजट आ रहा है, उसमें एलएलपी वालों ने जोर शोर से लगे हुए हैं कॉरपोरेट्स, एलएलपी वाले लोग जो हैं प्रेशर डाल रहे हैं कि हमारे लिए भी कुछ ऐसा तिकरमबाजी करो, और नहीं तो इन सब सेक्शन में लिख दो और एलएलपी, और एलएलपी, और एलएलपी। क्या समझे, ये सब सेक्शन जो तुम कंपनी के लिए लाए हो इसको अमेंड करके क्या लिख दो, और एलएलपी, क्योंकि सर एलएलपी में कंपनी जैसे ही गुण है, लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी भी क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब एक को शांत किया तो दूसरा उछल रहा है, दूसरे को शांत करेंगे तो तीसरा उछलेगा, फिर इंडिविजुअल तो बोलेगा मैं इंडिया छोड़ के ही जा रहा हूं, क्योंकि इंडिविजुअल के सरचार्ज रेट 37% तक है, 37, 37% का सरचार्ज। अभी तुम लोग कितने पे पहुंचे हैं, 2, 5, 7, 12, 12, अभी जब इंडिविजुअल पे जाएंगे तो वहां पर 37-37% का सरचार्ज रेट है। एनीवे कंपनी के इतनी सारी बातों में हम इतना सारा अभी तुरंत डिस्कस नहीं कर रहे, हमारा फोकस सिर्फ इस पे है। ओवरऑल आपको इतनी सारी चीजें पढ़नी पड़ सकती हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में, किसके लिए, कंपनी के लिए, वो भी लॉ ना बदले तो, इतनी सारी चीज, आगे लॉ बदल गया तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। लिखिए इसे फटाफट।
सर अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, कुछ ना लिखा हो, सिंपल लिखा हो कि एक कंपनी है ए लिमिटेड, कोई टर्नओवर वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा है, कंपनी कंपनी के 2 साल पहले का टर्नओवर नहीं दे रखा, कहीं ये लिख देता कि ये कंपनी हमेशा 500 करोड़ और उससे ज़्यादा का सेल कर रही है, कहीं तो हिंट मिल जाता। नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। एक होता कि ये कंपनी 100 करोड़ का टर्नओवर वाली कंपनी है, 100 करोड़ का टर्नओवर बोलते ही हम 25% ले लेते हैं, कुछ नहीं बोल रहा है। ध्यान रखना, 400 करोड़ और उससे कम का टर्नओवर हो तो रेट 25% है, अदरवाइज कितना है 30। तो हम इस कंपनी को कितने पे बनाएंगे, कुछ नहीं लिखा है, 30% डिफॉल्ट रेट डोमेस्टिक कंपनी। अच्छा, जनरली डोमेस्टिक कंपनी कौन सी कंपनी है जो इंडिया में है बेसिकली, और फॉरेन कंपनी कौन सी कंपनी है जो बाहर। लेकिन आगे डेफिनेशन है हमारे पास, डोमेस्टिक कंपनी किसको बोलते हैं, इंडियन कंपनी किसको बोलते हैं, दोनों में फर्क है। हाँ है, और जो बाहर की है वो तो फॉरेन की है ही। टोटल इनकम, केस ए 1 करोड़ 1 लाख, केस बी 10 करोड़ 20 लाख, कॉम्प्यूट मार्जिन रिलीफ एंड टैक्स। बस मतलब बच्चों वाले क्वेश्चन अब दिए ही नहीं हमने, सीधा कौन से वाले क्वेश्चन है ये, मार्जिन रिलीफ वाले, मेहनत करवाएंगे आपसे। टैक्स रेट कितना लेना है इसमें, 30%। सरचार्ज का रेट, सरचार्ज का रेट 2 है, 7 या 12, ध्यान से बनाइएगा, डोमेस्टिक कंपनी पे आ चुके हैं। सरचार्ज का रेट इधर देख लीजिए, 7 या 12 पे सॉल्व करना है। ठीक, चलिए एक बार आंसर आप लोग मैच करवा दीजिए। केस ए में मार्जिन रिलीफ कितना, 1 100 है ना, एंड टैक्स पेबल 24,000। अच्छा, अब केस बी में बस 1,72,000 इतना है सभी का, एंड टैक्स 1,50,000 में है इतना। चलो मिल गया। अब सर वो जो रेट है, टर्नओवर देख के जो रेट 25% करते हैं वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। ए लिमिटेड डोमेस्टिक कंपनी बिजनेस इनकम इन प्रीवियस ईयर 1920 इज रुपीज 2,50,00,000। टर्नओवर ऑफ द कंपनी इन प्रीवियस ईयर 19-20 इज 500 करोड़, प्रीवियस ईयर 17-18 इज 380 करोड़। अब बताओ दोगे बेनिफिट 25% वाला, दोनों सालों का थोड़ी देखते हैं, एक ही साल, 2 साल पहले का देखते हैं, 17-18 का कितना करोड़ और उससे कम होना चाहिए, 400 करोड़ से, है ना, तो 25% पे आ गए, आ गए। कॉम्प्यूट टैक्स, इसमें मार्जिन रिलीफ नहीं है, लेकिन अब 25% पे फिर सरचार्ज ऐड करते हुए से ऐड करते हुए बना लो, बिजनेस इनकम दे रखा है। ये टर्नओवर रेलिवेंट है, ये वाला है ना, हेयर टर्नओवर ऑफ द कंपनी इन प्रीवियस ईयर 17-18 डज नॉट एक्सीड्स
₹400 करोड़, टैक्स रेट 25% फॉर असेसमेंट ईयर 2021। हेयर टर्नओवर ऑफ द कंपनी इन प्रीवियस ईयर 17-18 डज नॉट एक्सीड्स ₹400 करोड़, द टैक्स रेट विल बी रिड्यूस टू 25% फॉर असेसमेंट ईयर 2021। अब बना लो आप लोग, चूंकि 1 करोड़ से काफी आगे इनकम है, 2 करोड़ 50 लाख है, रिलीफ का कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं है। 25% और कितना टैक्स हो गया, सरचार्ज रहेगा, सरचार्ज कितना परसेंट, 7, और फिर सेस बना लो। आंसर आए तो बता देना, मैं बॉक्स में लिख दूंगा। कितना 69,55,000 इतना ही आना चाहिए। 25% पे बनाओगे, फिर 7% सरचार्ज जोड़ोगे, फिर 5-4% सेस जोड़ोगे। जो फाइनेंस एक्ट के रेट्स थे, स्पेशल रेट्स, फाइनेंस एक्ट के जो रेट्स हैं सोसाइटी पे, लोकल अथॉरिटी पे, जो जो स्टेबल में है, वो सब हमारा हो चुका है एक तरह से, ऐसे समझो। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मेनली हमारा फोकस क्या था इस बेसिक क्लास में, कॉन्सेप्ट में ना फोकस क्या रहता है, रिलीफ के कॉन्सेप्ट को समझ के अप्लाई करते रहना। उसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे सेक्शन हैं स्पेशल रेट्स वाले, करते रहेंगे अलग अलग, सीखते रहेंगे आगे। आया इतना? सर एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिसमें सब कुछ मिक्स कर देता हूँ, TDS, एडवांस टैक्स, डिडक्शन, स्पेशल इनकम, सब मिक्स कर देता हूँ, है ना, बिजनेस इनकम। एक करोड़ 40 लाख FD का इंटरेस्ट है, कितना परसेंट TDS था, 10% TDS कटता है, 90 लाख रुपए का FD इंटरेस्ट है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है बिल्डिंग से, ₹20 लाख का। कंपनी हैज पेड 40 lakh ड्यूरिंग द ईयर, डोनेटेड ₹5 लाख इन क्लीन गंगा फंड, एलिजिबल फॉर
डिडक्शन, डोनेशन का डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80G, ये ध्यान रखना है। कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स, नोट डिडक्शन जो लेते हैं चैप्टर 6A का हम लोग GTI के बाद इज नॉट अवेलेबल, नहीं ले पाएंगे किसके अगेंस्ट में, तो ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में डिडक्शन नहीं लेते हैं। और इसका टैक्स रेट कितना बता रखा है 20%। सर इसका स्पेशल रेट है टैक्स रेट कितना 20%, जिसका सेक्शन है 112। और इसके साथ एक खूबी और है, क्या इस इनकम के अगेंस्ट में तुम चैप्टर 6A का डिडक्शन भी नहीं ले पाओगे, दूसरे जगह ले लेना डिडक्शन, इतनी सारी इनकम तो है। फॉर्मेट एक ही बनेगा, फॉर्मेट एक ही बनेगा, खाली 20 लाख को कम मत करना डिडक्शन 5 लाख से, ये ध्यान रखना। नॉट अवेलेबल अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब कोशिश आप कीजिए, फिर मैं आंसर मिला दूंगा। फॉर्मेट एक ही बनेगा टोटल इनकम का, आप 5 लाख घटाना, खाली वो जब घटाओगे तो ये नोट बैठा देना जो मैंने ये नोट दिया है आपको, और टैक्स निकालते समय 20 लाख पर 20% लेना, बाकी पर तुम स्लैब रेट ए सॉरी टैक्स रेट कितना लोगे, ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड है, कुछ नहीं लिखा है, 25 पे बनाओगे, क्यों 30 पे बनाओगे ना, बाय डिफॉल्ट टर्नओवर ना दिया रहे तो 30 पे बनाएंगे। ट्वेंटी फाइव पे नहीं बनाना है जमसन लेके, 30 पे सॉल्व करना है। एक अच्छा सा फॉर्मेट बनाना है टोटल इनकम का,
इनकम का ऑर्डर कैसे रखे हो आप लोग? पहले बिजनेस इनकम, फिर कैपिटल गेन, फिर लास्ट में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, है ना? एफडी इंटरेस्ट को ग्रॉस कर दिया, अच्छा जीटीआई 2 करोड़ 60 लाख, फाइनल इनकम कितनी? 2 करोड़। और एक नोट दे देंगे, वही कौन सा वाला, एग्जाम में अपनी तरफ से देंगे, डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब आप टैक्स कॉम्प्यूटेशन करते समय सबसे पहले टैक्स किसका निकालोगे? 25 लाख का क्यों? टैक्स कॉम्प्यूट करते समय सबसे पहले टैक्स किसका निकालोगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% का। फिर बैलेंस कितना बचेगा? बैलेंस 2 35 35% बना लो, फिर दोनों को जोड़ के सरचार्ज जोड़ देना फिर से। ऐसे ही तो सिखाया था, सिखा रखा है, देखो पीछे पीछे जाके प्रेजेंटेशन सिखा रखा है। हमारी टोटल इनकम 2,55 बची ना, 2,55 में से 20 कैपिटल गेन हट जाएगा तो कितना बचेगा? 2,35। क्यों 64 50? 30% पे बनाएंगे ना। कितना आया टैक्स ऑन अदर इनकम? ना कितना आया टैक्स ऑन अदर इनकम? 70 लाख 50 हजार। टैक्स बिफोर सरचार्ज दोनों को जोड़ देंगे, सरचार्ज कितना रेट? 7%। 1 करोड़ से ऊपर कंपनी है,
फाइनल आंसर? है ना? पचास नेट टैक्स पेबल, 3290, 360। चलिए ये भी हो गया हमारा। अब सारी कहानी किसकी बची है? इंडिविजुअल की। बेसिक रेट्स पे फोकस कर रहे हैं हम लोग, जो फाइनेंस एक्ट में लिखे हुए हैं, राइट? इंडिविजुअल का है या फिर फर्म का है या फिर कंपनी का है।